हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू V2YK वर्ल्ड। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है विद फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी भी अच्छे से ग्रो करे और हेल्दी रहे, तो उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सप्लीमेंट जिससे आपका बेबी भी हेल्दी रह सकता है। पर उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आज शेयर करती हूँ अपने जो फर्स्ट ये सप्लीमेंट्स हैं, जो कि है ये डिजिटोन एंड ये लिवर52। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका भी जो पपी है वो प्रॉपरली खाना नहीं खा रहा है या खाना खाने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं उसके डाइजेशन में और उसकी भूख बढ़ाने में। क्योंकि अगर आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें रस्की प्रॉपरली खाना नहीं खा रहा था, तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। होपफुली ये आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अब रस्की प्रॉपरली खाना खाने भी लग गया है और अपना खाना पूरा टाइम पे फिनिश करता है। तो जो सेकंड सप्लीमेंट है आज का वो है, ये लो आपका फेवरेट, अब इसे खिलो। आज का जो सेकंड सप्लीमेंट है दैट इज दिस कैल्शियम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वाला सप्लीमेंट तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्टार्टिंग का 1 ईयर होता है वो जो पपीज़ की ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये कैल्शियम है ये हेल्प करता है उनके मसल डेवलपमेंट में, बोन डेवलपमेंट में, टीथ डेवलपमेंट में, उनके इंटेस्टाइन में और उनके हेल्दी हार्ट के लिए। तो ये वाला तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। मैं ये रस्की को देती हूँ मॉर्निंग में 4 ml, इवनिंग में 4 ml, क्योंकि ये हमारे वेट ने रिकमेंड किया है। और आप अपने वेट से डिस्कस करके अपने जो बेबीज़ की जो मेडिसिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो आप उनको शेयर कर सकते हो। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी प्रमोशनल नहीं है, और मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप एक स्पेसिफिक ब्रांड के साथ जाइए या आप यही वाली दीजिए। आपके जो आसपास में जो भी ब्रांड के ये वाले जो सप्लीमेंट्स हैं अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ वो लीजिए और आराम से लीजिए, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और प्राइस में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हमारा जो थर्ड सप्लीमेंट है आज का वो है ये मल्टीविटामिन। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जैसे जो लोग अपने बेबीज़ को घर का खाना देते हैं, क्योंकि घर के खाने से क्या होता है ना कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो पपी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उसके साथ अगर आप मल्टीविटामिन देंगे तो उनके जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उनकी ग्रोथ के लिए वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो पपी फूड्स जो बनाते हैं वो पपीज़ को स्पेसिफिकली माइंड में रख के उनके ग्रोथ के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो जो लोग पपी फूड देते हैं अपने बेबीज़ को वो एक बार इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर जो लोग घर का खाना दे रहे हैं आई रिकमेंड प्लीज़ आप उनको साथ में ये मल्टीविटामिन ज़रूर से दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं रस्की को घर का खाना अभी नहीं प्रेफर कर रही हूँ। मैं अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1 ईयर तक तो हम स्पेसिफिकली इसको डॉग फूड ही देंगे। हम इसको अभी भी डॉग फूड दे रहे हैं, बट साथ में मैं मल्टीविटामिन ज़रूर से दे रही हूँ, जिससे क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना वेदर चेंज की वजह से जो रस्की है कभी कभी खाना अपना स्किप कर देता है, तो जिससे उसकी न्यूट्रिएंट सारे कंप्लीट हो जाए, तो मैं उसको ये सारा देती हूँ, हमेशा देती हूँ। अब नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है वो है ये फैटी एसिड omega-3 and omega-6। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने पापी के साथ उसके हेयर फॉल की, तो ये वाला सप्लीमेंट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि 90% तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम सीरियसली बहुत रस्की वेट सेट डाउन बेटा, ये इसको मेडिसिन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाली जो मेडिसिन हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इनके फर के लिए, स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हैं कि इसके जो हेयर्स हैं ये कितने ग्लॉसी हैं और इसका जो फर है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। काश मैं आपको ये दिखा सकती कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप ये फेस कर रहे हो कि आपके हेयर फॉल हो रहा है आपके पपीज़ का, तो आप ये वाली मेडिसिन मॉर्निंग और इवनिंग में दीजिए, और साथ में कॉमिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2x a day बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। होपफुली आपको हमारी जो आज की वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो और आपको इसमें हेल्प मिले किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे हेल्प मिली या नहीं मिली। और अगर आपने ये नहीं देखा है कि मेरी जो पुरानी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं रस्की को कैसे मेडिसिन देती हूँ और कितनी देती हूँ और आप अपने बेबीज़ को कैसे मेडिसिन दे सकते हो, तो यहाँ पे आई बटन है, उसमें जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप अपने पपीज़ को मेडिसिन दे सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मिलते हैं आपके साथ ऐसी एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। से बाय रस्की, बाय।